फ्रेंड्स, आज की कड़ी में क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को गो थ्रू करो, फिर मेरे साथ कनेक्ट होना साथी हो। बोलता है, बाला स्पेंड करती है 75% 3 आइटम्स पे, फूड, शॉपिंग, यूटिलिटी पे, किस रेशो में? 7:6:2। फरवरी में बाला ने 75% अपने इनकम का इन 3 जगहों पे स्पेंड किया। फरवरी के अंदर 72% वो स्पेंड करती है इन्हीं 3 आइटम्स पे, किस रेशो के अंदर? 22:19:7 के अंदर। बोलता है, अमाउंट इज स्पेंड ऑन यूटिलिटी, दैट इज फरवरी के अंदर 1/6 मोर है, मतलब पहले 6 हिस्सा था तो अब 7 हिस्से है। 7 हिस्से मेरा ये यूटिलिटी इससे कनेक्ट होता है, 6 हिस्से यहां पे कनेक्ट करने के लिए इसको 3 गुना कर दो। 3 गुना करने का मतलब ये वैल्यूज बन गए मेरे पास 21, 18, 6, दैट इज फूड, शॉपिंग एंड यूटिलिटी। और नीचे की रेशो क्या है? 22, 19, 7, ये टोटल बनता है मेरे पास 45 का, ये टोटल बनता है मेरे पास 48 का। ये 45 हिस्से खर्चा, ये 75% की वैल्यू है। इनकम से रिलेट करो तो 75 से भाग 100 से गुना, इनकम बनती है 60। ये 48 मेरे 48 हिस्से का खर्चा किससे रिलेट होता है? 72% से रिलेट होता है। 72 से भाग 100 से गुना, 72 से भाग 100 से गुना, द वैल्यू कम्स टू बी 6:6:2/3। फरवरी की इनकम ये बनी, दिसंबर की इनकम ये बनी, ये इससे कितना परसेंट कम बनी? क्या ये इससे 10% कम बनी? 6:2/3। विल इट बी 10% ऑफ 6:2/3? यही क्वेश्चन की डिमांड थी। परसेंटेज बाय विच द इनकम इन दिसंबर वॉज लेस देन दैट इज इन फरवरी। साथियों, क्वेश्चन काफी लंबा है, सॉल्यूशन को छोटा किया जा सकता है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। उम्मीद है आपको क्लियर है। इसी कड़ी में और क्वेश्चंस आपसे साझा होते रहेंगे। चैनल से कनेक्ट हो, अच्छा फायदा लें। थैंक यू विद दिस फ्रेंड।